हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपिकास किचन। आज मैं आपको कटहल की सब्ज़ी बताऊंगी। इसके लिए मैंने ये कटहल को अच्छे से वॉश कर लिया था और बड़े बड़े पीसेस ऐसे काट लिए हैं और मैं अब इसे बॉईल करूंगी। तो कटहल को काटने के लिए आप इसको अच्छे से, इसके जो छिल जो बाहर का होता है उसको बहुत अच्छे से निकालना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है और आजकल तो मार्केट में अच्छे से काट के मिल जाता है। बाकी इसमें छोटे छोटे इसको टुकड़ों को कर लीजिए और इसके बीच में से सीड्स को निकालने पड़ते हैं। ये इस तरह से सीड्स निकलते हैं और आप चाहें तो इस सीड्स को इस तरह से, मैंने अच्छे से छील लिया है और ऐसे करके आप बीच में से इसको काट के, इस तरह से बीच में से काट के और इसको दोनों साइड से छिकल को निकाल सकते हैं। तो मैंने इस तरह से इसको निकाल लिया है और ये देखिए इस तरह से निकल जाएगा। तो आप इस तरह से आप सारे सीड्स को छील सकते हैं। मैंने ये निकाल दिया है इस तरह से और ये मैंने छील के अच्छे से ये सीड्स को हाफ में काट लिया है और इसको बड़े बड़े कटहल के पीसेस को हाफ में काट लिया है। चाहे तो आप छोटे भी काट सकते हैं, लेकिन मैं इसे बॉईल करूँगी इसलिए इसको मैंने हाफ में इस तरह से काट लिया और इस तरह से इसके सीड्स निकाल लिए। दूसरा, इसमें मैंने मसाले लिए हैं, प्याज लिए हैं 5 से 6, एक अदरक का टुकड़ा लिया है, एक पूरा लहसुन का कली ली है मैंने, इसमें 10 से 12 लहसुन की कलियां हैं, और सरसों का तेल लिया है मैंने, 1/3 कप सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल में बनाऊंगी मैं इसको। और मसाले में मैंने लिया है मिर्च, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, नमक, सूखा धनिया, ये मैंने रोस्ट करके सूखा धनिया बनाया है इसका पाउडर है, और कस्तूरी मेथी है। खड़े मसाले में मैंने मेथी लिए, दालचीनी का टुकड़ा लिया है और ये तेज़पत्ता लिया है, लौंग, जावित्री, जीरा, काली मिर्च और ये बड़ी इलायची ली है। काली मिर्च इसमें भी मैंने 2 से 3 दाने डाले हैं और सूखा धनिया, साबुत धनिया भी लिया है मैंने इसमें 1 टीस्पून के करीब। तो चलिए पहले सबसे पहले शुरू कर लेते हैं। मैंने गैस ऑन कर दी है और कुकर रखा है और इसमें मैं 2 गिलास के करीब पानी डालूँगी, क्योंकि मैं मैंने 2 गिलास के करीब इसमें पानी डाल दिया है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी, इसमें मैं 1/2 टीस्पून के करीब सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, क्योंकि बॉईल करने में इसमें थोड़ा सा नमक कटहल में आ जाता है। तो अब ये जब तक ये बॉईल हो रहा है, इससे 2 सीटी हम लगाएंगे। तो मैं ये कटहल पूरा इसमें डाल दे रही हूँ और इसे बॉईल करने के लिए रख दूँगी। मैं कुकर में इसे बना रही हूँ और 2 से 3 विसल लगा दूँगी इसमें। 3 सीटी बजने पे मैं इसको बंद कर दूँगी। तब तक हम इसे मसाले का पेस्ट बना लेते हैं। और ये मैंने अनियंस इसमें ऐड कर रही हूँ, अनियंस ऐड करूँगी, गार्लिक ऐड करूँगी इसमें, अदरक ऐड करूंगी। इस सबका मैं पेस्ट, इसमें मैं 2 इलायची डाल रही हूँ, जीरा डाल रही हूँ। ये सब मैं पेस्ट में ही पेस्ट बनाऊंगी जब प्याज का, तो उसी में ही इसको सबको मिक्स, ये खड़े मसाले डालूंगी, लौंग और काली मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा एक, इसमें मैंने एक पीस जावित्री का भी डाला है, और खड़ा मसाला, साबुत धनिया, जीरा, ये सब का मैं पेस्ट बना लूँगी। और उसके बाद फिर तब तक सीटी आ जाएगी और हम उसका, उसे स्टीम करने के बाद उसे अच्छे से छान लेंगे कटहल को, और फिर ग्रेवी इसका मैं पेस्ट बना लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। पेस्ट रेडी है। इसमें मैंने खड़े मसाले, प्याज, गार्लिक सब अच्छे से पीस लिया है। खड़े मसाले को आप अलग से भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इसी में ग्राइंड किया क्योंकि इससे बहुत अच्छी इसमें स्मेल आती है और बहुत अच्छा खुशबू आती है। तो ये हो गया है। अब मैं कुकर की 2 विसल बजने तक का इंतज़ार कर रही हूँ। कुकर में 2 विसल बज गई है। अब इसे मैं इसको छान लूँगी। मैंने कटहल को छान लिया है, छन्नी में निकाल लिया है और अब मैं कढ़ाई रख ली हूँ, तो गैस ऑन कर ली मैंने।
और मैं इसे लोहे की कढ़ाई में बनाऊंगी, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है और आयरन भी मिल जाता है इसमें। तो कढ़ाई गर्म हो रही है और मैं इसमें 1/3 के करीब तेल डाल दे रही हूँ सरसों का, जब तक ये हीट होता है। तेल गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है सरसों के तेल में, तो ये गर्म हो रहा है। तेल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें हींग डालूंगी। तेज पत्ता डालूंगी, दालचीनी डालूंगी और मेथी डालूंगी तड़के में। ये भून गया है, इसमें अब मैं प्याज का पेस्ट ऐड करूंगी। और इसको भी अच्छे से भून लूंगी। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए, तो इसमें से तेल पूरा निकल गया है। और अब मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर रही हूँ। धनिया पाउडर, मिर्च, नमक, नमक अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, हल्दी पाउडर और गरम मसाला, ये कसूरी मेथी। तो मैंने ये सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं और इसको अच्छे से भून लेंगे। देखिए इसमें मसाला भी पूरा ब्लैक हो गया है, क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई है और इसमें आयरन बहुत होता है, तो इसलिए इसमें कटहल जो है ब्लैक हो जाएगा। और ये बहुत टेस्टी लगता है। तो अब ये मसाला अच्छे से भून गया है, अब मैं इसमें ये जो बॉईल किया था मैंने कटहल वो सारा ऐड कर दे रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस मेरी मीडियम है, मैंने कटहल को अच्छे से मिक्स कर लिया है मसालों में और इसे मैं अब 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी। इसको आराम से हिलाना पड़ता है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हो जाता है बॉईल करने के बाद। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और मैं अभी इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रख दे रही हूँ। मीडियम गैस है मेरी, मैं कटहल को चेक कर लेती हूँ। ये हो गया है और इसमें से ऑयल भी अलग हो गया है। कटहल में थोड़ा ऑयल ज़्यादा पड़ता है, तो ये देखिए ये पक गया है और रेडी है एकदम। तो मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। मैंने 500 ग्राम किया था कटहल और इसमें कम से कम 1/2 कप के करीब तेल डल गया है। 1/3 डाला था मैंने, लेकिन उसके बाद मैंने 1/2 कप डाल दिया है इसमें। आप ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो ये कटहल रेडी है, देखिए कितना बढ़िया बना है। तो मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। कटहल की सब्जी तैयार है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और आपको ये रेसिपी कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।